ताजमहल पर टिकट को लेकर हो रही समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। टिकट विंडो पर लगी लंबी कतारों के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम भी पर्यटकों की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देने का नाम नहीं ले रहे। ताजमहल पर टिकट को लेकर समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजमहल के पश्चिमी गेट टिकट काउंटर पर, जहां आप देख सकते हैं कि पर्यटकों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। हालांकि ऑफ सीज़न होने के बावजूद भी इस तरह की लंबी कतारें आप पर्यटकों की देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक पर्यटकों की भीड़ नहीं, लेकिन ASI की खामियाजी हैं। कह सकते हैं कि ASI द्वारा यहाँ पर दो ही टिकट विंडो खोल रखी हैं, जिसके चलते यहाँ पर पर्यटक धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर जो लंबी लाइन दिखाई दे रही है जेंट्सों की, तो वो धूप का सहारा ले रहे हैं और धूप में ही दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, काफ़ी देर से यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। और बात की जाए तो दो ही टिकट काउंटर खुले हुए हैं यहाँ पर, एक जेंट्स का एक लेडीज़ का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लंबी लाइन देखने को मिल रही है पर्यटकों की, जिस तरह से देखा जा रहा है। मैम, कितनी देर से यहाँ खड़े हो आप? कितनी देर से खड़े? आधा घंटा हो गया। तो यहाँ कोई सुविधा आपको क्या कहना चाहोगे? कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। क्या व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कहना चाहोगे? नहीं भैया, हम तो पहली बार आए, हम क्या कहेंगे। मैम, कहाँ कितनी देर से खड़े हो? आधा घंटा हो गया। हाँ, क्या व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कहना चाहोगे? अब क्या बताएं, तो व्यवस्था तो है और क्या। तो यहाँ पर देखा कि जिस तरह से यहाँ पर ये है, आई और भी यहाँ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम, कितनी देर से यहाँ खड़े हो आप लोग? 10-15 मिनट से खड़े हैं। हाँ, क्या व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कहना? हाँ, मतलब कि छाँव के लिए कुछ होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो कुछ होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पे छाँव के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो खड़े होने में यहाँ पे। इसलिए ऑनलाइन टिकट की भी यहाँ सुविधा है, वो आपको नहीं? हाँ, होनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों के पास ऑनलाइन का ज़्यादा कैश इतना नहीं होता, हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते, बट यहाँ आई थिंक यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है ज़्यादा, इसलिए कैश ही लेना पड़ रहा है। इसलिए ऑनलाइन का भी होना चाहिए, जैसे पूरे इंडिया में है पेटीएम का, गूगल पे का, यहाँ भी होना चाहिए ऑनलाइन का। बहुत बुरी, बहुत गंदी, बहुत घटिया है। हमारी सेंटर सरकार कह रही है यहाँ UPI सिस्टम बनाना है, डिजिटल इंडिया करना है। योगी सरकार कह रही है, सारे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है। बुरी व्यवस्था जो है, वर्ल्ड का हमारे जो है हेरिटेज है, ये 8वें नंबर पे है ताजमहल। यहाँ क्यू आर स्कैन कोड स्कैन नहीं करना था, आप देखे जा कितनी लंबी लंबी और तो आदमियों की लाइनें लगी हुई है। ये कौन सा डिजिटल इंडिया? बहुत बुरी व्यवस्था है। औरतें और इतनी गर्मी में मर्द सभी लाइनों में लगे हुए हैं। कोई टिकट को ऑनलाइन सभी आप स्कैन करें, ऑनलाइन नेट नहीं चलता। देखो ताजमहल में नेट नहीं चलता। कोई आप पेटीएम गूगल पे से आदमी कोई अपनी टिकट बुक करवा दे, QR कोड नहीं चलता यहाँ पे, नेट बहुत स्लो है, बहुत गंदी व्यवस्था है। कितना टाइम हो गया है? मैं मथुरा वृंदावन आया हूँ जी, 2 घंटे हो गए जी। बहुत बुरा हाल है। हम डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, UPI सिस्टम कर रहे हैं, जहाँ टिकट क्यों नहीं हो रही ऑनलाइन, मालूम नहीं क्या है जी, नेट भी नहीं चल रहा, नेट बहुत स्लो है। आपने देखा कि यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा होने के बावजूद भी पर्यटकों को जानकारी नहीं है कि किस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि ऑनलाइन के जो स्कैनर लगे हुए थे वो भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से पर्यटकों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ASI के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारी समझने का नाम नहीं ले रहे। अपने साथी मनोज के साथ गोपाल शर्मा, C News, आगरा।